और ये सब जो ये आप सब लोगों के लिए जो इश्यू हो नवरात्र माँ आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। और ये जोत मैंने सुबह उठते ही जल्दी कर ली थी क्योंकि आज अष्टमी है और आज कन्याएं भी जिमानी है तो वो भी आ जाएंगी 8 बजे तक। एक बार आपकी टीके तो लगा दूं। हां ये लगा दो। अपने नाम बता दो, क्या-क्या नाम है सबके? किरण और मेरा नंदनी। नंदनी नाम तो इतना अच्छा है। इसका आकाश। आपका क्या है ये बताएगा? आकाश। कौन सा आकाश? जो बादल पे होता है ऊपर होता है आकाश ना। आनंदी बालिका वधू वाली। और आपका लक्ष्मी। वाओ आपका क्या नाम है? दीप्ति। और आपका सोनम। ऐसे कुछ प्लेट रखी थी और फिर ऐसे काट दिया किसी। तो बस मैं ऐसे ही इन लोगों के साथ में मस्ती मजाक कर रही थी ताकि ये लोग फटाफट से थोड़े मस्ती मजाक में खाना खा लें बिकॉज ऑलरेडी ये 3 घर जाके आ चुकी थी तो इनका पेट तो ऑलमोस्ट फुल था। तो इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था दीदी हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालना, तो इसलिए मैं इनके साथ बातें कर रही थी ताकि ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से खा लें। और बस इसके बाद मैंने इन लोगों की टीकी लगाई, सबको इनकी प्रसादी दी। और ये जितनी भी कन्याएँ हैं ये सारी हमारी कॉलोनी की नहीं है, मेरे पीछे रावण गेट है वहाँ से इनको गाड़ी में लेकर आई थी। तो इनको खाना जमा के और इनको वापस अभी इनके घर पर छोड़ दूँगी। तो बस अब मैं इन सब लोगों को घर पे छोड़ के आ रही हूँ वापस। और उन सबको घर छोड़ दिया था मैंने। और ये है टक्सा, मेरी जो बड़े पापा हैं उनकी दोईती है, मतलब उनकी जो सेकंड नंबर वाली डॉटर है उनकी बेटी है। तो इन ये स्कूल गई हुई थी तो इसलिए लेट आई थी, तो मैंने इसको फिर बाद में लेट ही बुलाया था मैंने। तो बस ये लास्ट कन्या थी, इसको खाना खिला के अब मैं खाना खाने जाऊँगी। और उसके बाद में मुझे कल यदु का बर्थडे तो उसकी भी बहुत सारी प्रेपरेशन करनी है, वो करूँगी बर्थडे बॉय के लिए। रात में से पैम्परिंग चालू हो जाती है ना, तो आपके लिए देखो कैसी है। केक नहीं है। कैसा लगा? ये देखो ये रही। हाँ ये भी आइसक्रीम ही है। वाह हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। इन एडवांस हैप्पी बर्थडे। एक और है खट्टी वाली जामुन। वाह और यदु भी इस बार हो गया है 10 years का। और उसके लिए गिफ्ट्स भी मैंने इस बार जो सॉर्ट किए वो सारे 10 किए हैं बिकॉज 10 years का हो गया, तो मैंने सोचा उसको मैं 10 गिफ्ट्स दूंगी अलग अलग। और अब बस मैं उसको फटाफट से सरप्राइज जो मैंने बैग बनाया है उसके लिए सरप्राइज बैग वो ऊपर लेके जाती हूँ और उसको उठाती हूँ, उसको दूंगी। पापा लेकिन अभी वॉक करने गए हैं तो मैं वेट कर रही हूँ पापा एक बार आ जाएं, तो फिर मैं और पापा हम साथ मिलके उसको गिफ्ट देंगे, उसको उठाएंगे। और उसके बाद में हर बर्थडे पे मैं उसको पहले गाय को हरा चारा देने जाते हैं, उसके बाद में नहा धो के पूजा करके गणेश जी के जाएंगे और फिर हम सब साथ मिलके चलेंगे NGO में। और फिर जब मैं आपको तैयार होके फिर NGO के बारे में आपको सब के सारे 10 गिफ्ट यहाँ रख दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये सारे मैंने उसके डाल के रख दिया। मैं उसको उठाती हूँ, देखो ये सो रहा है। यदु गुड मॉर्निंग। यदु हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यदु। नीचे उतर के देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। देख नीचे तेरे कितने 10 गिफ्ट्स हैं, जल्दी से देख। 10 इयर्स का हो गया ना तो 10 गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे टू नीचे नीचे है नीचे आओ वो रे गिफ्ट। अच्छा चश्मा पहन अंदर खोलो अंदर देखो देखो वही वाली बोल वाली वॉच। कॉल आएगा इसमें। और कैसी लगी आपको?
देखो। और ये सारे गिफ्ट देख के इतना खुश हो गया था क्योंकि इसको पता नहीं था, इसको सिर्फ लगा कि मेरी एक बस ड्रेस है और एक मेरी बस कार है, बाकी मेरे वही मेरा गिफ्ट है इस बार। बट मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि मैं इसको सरप्राइज़ दूंगी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए मैंने उसको सरप्राइज़ दिया। उसको ये सरप्राइज़ इतना अच्छा लगा, मतलब सारे कपड़े उसको बहुत पसंद आया और उसको स्पेशली वॉच बहुत ही पसंद आई। अच्छे लगे सारे गिफ्ट्स? हाँ, थैंक यू। आप 10 इयर्स के हुए ना, इसलिए 10 गिफ्ट्स हैं इस बार, हर ईयर का एक गिफ्ट। टू यू यू यू। सारे अपने गिफ्ट्स देख रहा है और वो इतना खुश हो गया सारे गिफ्ट्स को देखे। उसको वॉच बहुत ही पसंद आई और सारे गिफ्ट्स उसको बहुत पसंद आए, उसने सब देख लिए। और बस अब मैं नहाने जाती हूँ और फिर पहले गाय को चारा देने जाएंगे, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। गाय को चारा डालने के लिए इतनी देर से अपनी कार चला रहा था और मैं अपना दूध साथ ही लेके जा रहा। मैंने सोचा था नहाने जाऊँगी पर मैं नहा नहीं सकी क्योंकि लेट हो गई अब, तो मैं इसलिए ना पहले गाय को चारा डालने आई क्योंकि फिर ये लोग सुबह सुबह 6 बजे ही हरा चारा मिलता है, उसके बाद फिर मिलता नहीं है। तो गाय को चारा देके और फिर घर जाके मैं नहाने के लिए जाऊँगी। या तो लिए दिखाओ दिख रहे हैं। तो मैं सब गाय को दे दिया है और पूरे 10 साल का हूँ, 10 बुल्ली हुए और 10 भी डेट है और मैं सब घर वालों की तरफ से दे दिया। तो मैं घर जाके गाड़ी चलाने कब से गाड़ी के पीछे लग रहा है कि गाड़ी चला। और आप सब लोगों को भी गाय को चारा देना चाहिए। सबको गाय को चारा देना चाहिए, सुबह सुबह हरा चारा देना बहुत अच्छा होता है गाय। आके आ गई हूँ अभी और आज मैं बहुत लेट हो गई। रोज मैं 7 बजे तक उठ के नहा धो के मेरी पूजा कर लेती हूँ, बट आज मैं लेट हो गई हूँ, बिल्कुल 8 ही बज गए। और गाय को चारा देने पहले जाना जरूरी था क्योंकि फिर वो गाय वाले जितने भी वो सब चले जाते हैं, चारा खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले वहां देकर आई और बस अब नहा के आ गई हूँ और बस यदु को नहाने के लिए भेजूंगी। ये बैठा है कब से अपनी कार्स चला ली है उसने यदु। और आज की एक स्पेशल डे की बात आपको एक और चीज़ बताऊं कि आज यदु 10 इयर्स का हुआ है और आज जो डेट है वो भी 10th है। और अप्रैल और ईयर, मंथ और ईयर को जब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो 4 और 2022 इनको जब कैलकुलेट करते हैं तो 6 + 4 वो भी 10 होता है। तो मतलब आज तो उसके पास में पूरी ब्लेसिंग्स है भगवान की तरफ से भी। एंड यस, 10 इज़ वेरी लकी फॉर हिम और आज वो फर्स्ट टाइम 2 digits में भी एंटर कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ही लकी है। और कोइंसिडेंटली सब कुछ 10 ही हो गया है आज। और मैं बस बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया है और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक शायद पिंक मेरा फेवरेट होता जा रहा है इन दिनों में, बिकॉज मेरा लास्ट टाइम भी जो मैंने ड्रेस पहनी थी वो भी पिंक थी और ये भी थोड़ा सा पिंकिश है, पिंकिश और ग्रेइश है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा सूट मैंने कैसे पहना है। और अब इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं गणेश जी के धोख लगाते हुए और फिर है ना आगे NGO जाएंगे। तो मैं पहले आपको NGO के बारे में बताती हूँ। जो NGO है ये है, एक लेडी ही है वो चलाती हैं, उनका नाम है मीना मैम। वो मीना मैम खुद NGO में, वो सब बच्चे हैं जैसे कि किसी को ऑटिज्म है या किसी को स्पीच प्रॉब्लम है, तो सारे ऐसे बच्चे हैं उसमें। और उनके साथ में जब आप सेलिब्रेट करते हो ना, आप खुद चलोगे ना, आप देखोगे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी ना, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मज़ा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं चाहती हूँ, यदु का भी ये 10th ईयर है जो चालू हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ इन सब लोगों का अगर आशीर्वाद इसके साथ में होगा तो इसकी लाइफ हमेशा आगे बहुत अच्छी जाएगी। तो मैं इन सब में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो थिंक सबको बिलीव करना चाहिए, बिकॉज अगर भगवान का आशीर्वाद और हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारे साथ में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता और हमारी लाइफ हमेशा ब्राइटनिंग रहेगी और हमेशा पॉजिटिव और हैपनिंग रहेगी। तो बस अब मैं वहाँ जा रही हूँ, फिर मैं वहाँ जाके आपको मीना मैम से और वहाँ सारे बच्चों से और स्टाफ से सब लोगों से मिलवाती हूँ। मैं चाहती हूँ यदु का भी ये जो 10th ईयर जो स्टार्ट हो वो बहुत अच्छा और बहुत ब्राइटनिंग हो उसके लिए और वो हमेशा खुश रहे। वहाँ पे कोमल भी आ रही है, आप कोमल से सब लोग पहले मिल चुके हैं। तो कोमल बहुत सारे NGOs चलाती है और वो बहुत अच्छे वर्क करती है और उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले दे ही चुकी हूँ और अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरा पीछे वाला व्लॉग जाके देख। चलो अभी हम लोग सब साथ चलते हैं और जाके हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना। वॉच तो देखा तेरी, यार स्मार्ट लग रही तेरी वॉच तो बहुत ही। गणेश जी के मंदिर पहुंच गए और गणेश जी का मंदिर हमारे घर के पास भी है, खेड़ी पाटी।